और काफी समय
पक्षी और जानवर नहीं चहकाते। क्यों? क्योंकि हमेशा की उनकी क्या आदत थी कि वह मुर्गे की बांग सुनते और फिर उठकर अपनी दिनचर्या में लगते थे, परंतु आज तो उन्हें मुर्गे की बांग सुनाई ही नहीं देती। इस कारण से आज कोई भी पशु पक्षी या जानवर नहीं जगाता, सभी सो रहे थे। तो अब आगे मुर्गा क्या करता है, वो पशु पक्षी वो जानवर किस प्रकार से जुटते हैं, उसका अध्ययन हम आज अपनी इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आगे का पाठ। आप सब अपनी अपनी बुक अपने पास लेकर बैठ जाइए और उसमें से पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोते कुत्ते खराटे ले रहे थे, कुत्ता कर रहा था भों भों भर भर। तो देखिए बेटा, अब जैसा कि हमने कल कहाँ पर इस बात को समाप्त किया था कि सारे पशु पक्षी और जानवर अभी तक सो रहे थे, कोई भी नहीं जगा था और सूरज भी काफी निकल आया था, काफी दिन चढ़ गया था, भूख निकल गई थी, इसके बावजूद कोई भी पशु पक्षी या फिर जानवर अभी तक नहीं उठे थे। तो आगे हमें और वे सब सोते सोते क्या कर रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। खर्राटे क्या होते हैं? खर्राटे होते हैं सोते समय मुंह से निकलने वाली घर घर की धुन। आपने देखा होगा आपके घर में भी, आपके परिवार में आपका कोई परिवार का सदस्य रात के सोते समय खर्राटे लेता है, यानी उसके मुंह से रात को सोते समय जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, वह क्या होती है, खर्राटे की आवाज। तो उसी प्रकार सारे जानवर भी अभी तक सो रहे थे और सोते सोते वे क्या कर रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। खर्राटे, देखिए बेटा, खर्राटे का क्या अर्थ होता है? सोते समय हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा ले। अब
थे, घोड़े के लिए कुछ चने वहाँ पर रखे हुए थे, और जो खू नाम का मुर्गा था वह हमेशा प्रयास करता रहता था। प्रयास का क्या अर्थ होता है? कोशिश करना। तो वह हमेशा इसी प्रयास में रहता था, इसी कोशिश में रहता था कि कब वह उन चनों को खा ले। लेकिन वह घोड़ा जो था वो चने को उन्हें खाने ही नहीं देता था, तो इस कारण से उसे चने खाने को नहीं मिलते। लेकिन आज उसके पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि आज सभी सो रहे थे और जो घोड़ा हमेशा उसे वो चने खाने नहीं देता, वो घोड़ा भी आज आराम से सो रहा है, तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था, तो वह आराम से निश्चिंत होकर उन चनों को खा सकता था। तो उसे वही याद आया कि हाँ, घोड़े के लिए कुछ चने अभी भी रखे हुए हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें ही खाकर अपनी भूख शांत कर। लेकिन घोड़ा खाने नहीं देता था। आज उसको लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है। यानी हमेशा जब वह प्रयास करता था, हमेशा जब वह कोशिश करता था कि वह चने खा ले, परंतु घोड़ा हमेशा उसे खाने नहीं देता था, उसे भगा देता था। वो कहता था कि ये चने मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम इन्हें खाओगे। तो इस वजह से वो हमेशा जब भी चने के बारे में सोचता था, अपने खाने के बारे में सोचता था, तो वह घोड़ा बीच में आ जाता और उसे नहीं खाने देता। लेकिन आज तो उसके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और जो घोड़ा हमेशा वह चने उन्हें खाने नहीं देता था, आज तो वह भी सो रहा था। तो इसलिए वह मुर्गा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज तो मैं बेरोक टोक, बिना किसी की रोक टोक के खूब पेट भरकर चने खाऊंगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मुर्गा पेट से उतर आया और चने खाने लगा। और अब क्या था, मुर्गा जो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, वह पेड़ से नीचे उतरा और जहाँ चने रखे हुए थे वह चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए, खाता गया। इतना खाया कि वह फूल कर एकदम झूम की तरह घोल मचल छुपा हो गया। तो अब देखिए अब क्या था, अब कौन से रोकने वाला नहीं था, कौन से टोकने वाला नहीं था। तो जितने भी चने पड़े थे, तो जितनी उसकी मर्जी हो उतने वो चने खा सकता था। तो उसने वैसा ही किया, वह पेट की डाली से नीचे उतरा, नीचे उतर कर चने के पास गया जहाँ पर चने रखे हुए थे, और उसने वो चने खाने शुरू किए। और उसने आज खूब चने खाए थे, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं था, और उसे भूख भी बहुत जोर की लगी थी, तो उसकी जितनी मर्जी थी वह उतने चने उसने आज खाए थे। यानी उसने खूब चने खाए, खाता ही गया। और जब तब उसका पेट भरा नहीं, यानी ऐसा नहीं लगने लगा कि अब तो मैं खा ही नहीं सकता, इससे आगे तो मैं खा नहीं सकता, तो इतने सारे चने एक साथ खा लेने की वजह से उसका पेट बहुत मोटा हो गया था, फूल गया था। और अब वो मुर्गा जो था खूब कैसा लग रहा था, गोल मटोल गेंद की तरह। यानी वह चने खाने की वजह से उसका पेट फूल गया था, और वो चारों तरफ से फूला हुआ लगने के कारण बिल्कुल एक गेंद की तरह गोल मटोल लग रहा था। तो आगे क्या होता है देखिए बेटा, उसने एक बड़ी सी डकार ली। अब उसने क्या ली, किसी का पेट भर चुका था, और वो पेट भर जाने की वजह से उसे डकार आई। डकार का अर्थ होता है मुंह से पेट की वायु निकालना। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग भी ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमें खाना खाने के बाद, हमारा पेट भर जाने के बाद डकार आती है। वह डकार क्या होती है, वह डकार होती है मुंह के पेट की वायु निकालना, यानी पेट में जो हवा भरती है उसे अपने मुंह के माध्यम से बाहर निकालना ही डकार कहलाता है। और हम उसे क्या कहते हैं कि हमारा पेट ज्यादा भर गया है, इसलिए हमें डकार आई है। तो देखिए बेटा, डकार का अर्थ होता है मुंह से पेट की
चने ज्यादा खा लेने की वजह से वो एकदम फूली हुई गेंद की जैसे गोल मचो लग रहा था, और ज्यादा खा लेने की वजह से उसकी बड़ी सी डकार भी आई और थक से बैठ गए। यानी उसने अब इतना खा लिया था कि अब उससे चला ही नहीं जा रहा था, उठा ही नहीं जा रहा था। तो वह जहाँ पर खड़े होकर खा रहा था वहीं पर उसकी जगह बैठ गया। अब उससे चलते ही नहीं बनता था और अब उससे चला ही नहीं जा रहा था, यानी उसने इतना ज्यादा खा लिया था जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी, जितनी उसकी क्षमता नहीं थी, उससे ज्यादा उसने खा लिया थी। उससे ऐसा लग रहा था कि आज ही यह मौका मिला है कि मैं सारे चने खा लूँ, क्योंकि वापस दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि घोड़ा सो रहा हो और मुझे इतने आराम से, इतनी आसानी से इन चनों को खाने का मौका मिले। तो इस कारण से उसने खूब सारे चने खा लिए और उसका पेट अधिक भर जाने के कारण अब उसे चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए वह वहीं बैठ गया। तो अब क्या था, अब वह वहीं बैठ गया। उसके बाद क्या होता है, इतने में लोमड़ी आ गई। यानी इतने में क्या था कि लोमड़ी जो थी, जो हमेशा उस मुर्गे को पकड़ने की फिराक में रहती थी, पकड़ने की ताक में रहती थी, वह लोमड़ी वहां आ जाती है और आप तो मुर्गे से चलते भी नहीं बनता, यानी वह चल भी नहीं सकता है। तो उसके पास बहुत अच्छा मौका था उस मुर्गे को खाने का। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता, अब बचकर कहां जाएगा। तो लोमड़ी के पास बहुत अच्छा मौका था। उसने सोचा कि हमेशा ये मेरे से बचकर निकल जाता है, परंतु आज तो इसने इतने चने खा लिए हैं कि इससे चला भी नहीं जा रहा, यानी ये इस जगह बैठा निटोल भी नहीं सकता। तो मेरे पास तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आज मैं इसे खा ही जाऊंगी और ये बचकर जाएगा भी कहां, क्योंकि इसने भागा तो जाएगा नहीं। मुर्गा बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना। तो अब क्या था, जैसे ही अचानक से उसने देखा मुर्गे ने कि उसके सामने एक लोमड़ी खड़ी है, तो वह डर गया, घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। और इसलिए घबराहट में उसने पीछे हटने की बहुत कोशिश की। यानी उसे लगा कि हमेशा की तरह मैं आज भी बच निकलूंगा, भाग जाऊंगा, लेकिन आज तो उसे चला तो नहीं जा रहा था, यानी वह हिलडुल भी नहीं पा रहा था। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि कैसे मुसीबत आई है, मैं तो मेरे मित्रों से बदला लेना चाहता था, परंतु आज तो लगता है कि मेरी ही मृत्यु हो जाएगी और ये मुर्गी मुझे पकड़ लेगी और फिर मुझे मार डालेगी। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब क्या था, धीरे धीरे वो मुर्गा एक ही जगह बैठा रहा, क्योंकि उससे हिला डुला तो जान नहीं, हिला डुला नहीं जा रहा था, इसलिए वह एक जगह स्थिर बैठा रहा। और अब लोमड़ी जो थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, और जैसे जैसे लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, उस मुर्गे को बहुत डर लग रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पहले पहले दांत चमक रहे थे, और जो लोमड़ी थी, अब लोमड़ी उस मुर्गे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, और उसने अपना मुंह खोल रखा था, और जो मुर्गी के लोमड़ी के जो निचले पहले पीछे दांत होते हैं वो भी चमक रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि ये लोमड़ी अभी आएगी और मुझे अपने पहले दांतों से दबोच लेगी और मार देगी। लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और मुंह से लाल टपक रही थी, और जैसे ही मुर्गी ने जैसे ही लोमड़ी मुर्गे की तरफ बढ़ रही थी, तो मुर्गी की जीभ लपलपा रही थी। यानी जैसे हम किसी मिठाई को देखते हैं और वो हमारी पसंदीदा मिठाई होती है, तो किस प्रकार से हमारे मुंह में पानी आ जाता है उस मिठाई को देखकर, उसी प्रकार से उस लोमड़ी के मुंह में भी पानी आ रहा था उस मुर्गे को देखकर। यानी वह उसका उसकी जीभ ललचा रही थी उस मुर्गे को खाने के लिए, उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैं तुमको खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा, मैं तुमको खा जाऊंगी। अब लोमड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और साथ में क्या कहने थी मुर्गे को कि अब तुम बचकर कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हें मार दूंगी। यानी हमेशा
जैसे वो मुझसे बचपन निकल जाते थे, भाग जाते थे, मेरे हाथ नहीं आते थे, लेकिन आज तो तुमसे हिला डुला ही नहीं जा रहा, तो आज तो तुम बचकर कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लोमड़ी और भी बात आ गई, खूब को उसकी काली नाक और चमकती आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खूब पर चपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अच्छा अब क्या, सामने खूनान का मुर्गा और इधर लोमड़ी की तरफ बढ़ गई और खूब को बहुत अधिक डर लगने लगा था, उन्हें डरने लगा था और खूब को लोमड़ी की नाक और उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी और उसे डर लगने लगा उससे। और अब क्या था, जैसे ही लोमड़ी उस पर झपट कर उसकी गर्दन को दबोचने वाली थी, पकड़ने वाली थी, तभी अचानक क्या होता है देखिए, तभी अचानक मुर्गी को कुछ याद आया, यानी अब जैसे ही वह अपने पंजे से उस मुर्गे की गर्दन पकड़ने वाली थी, उसे दबोचने वाली थी, तभी मुर्गे को कुछ याद आया। अब उसे क्या याद आया, वह जोर से चिल्लाया कुकुरू थी, और ये सुनते ही सभी जानवर जाग गए। तभी उसे याद आया कि आज मैंने बांग नहीं लगाई है, इसीलिए सारे जानवर अभी तक सो रहे हैं, और यदि मैं बांग लगा दूँ तो हो सकता है उठ जाए और मेरी सहायता कर दे, मेरी मदद कर दे। तो उसने वैसा ही किया, उसने जोर से आवाज लगाई कुकुरू की, और ये आवाज सुनते ही सारे जानवर जो सो रहे थे वो जग गए, उठ गए। उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे पर झपटने वाली है, कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई, और एकदम से जैसे जानवर सारे जानवर उठे और उन्होंने देखा कि लोमड़ी उस मुर्गे को मारने वाली है, उस पर झपट्टा मारने वाली है, वैसे ही सब उसको बचाने में लग गए, और पीछे से कुत्ता जो था वो दौड़ता हुआ आया और उसने लोमड़ी की जो पूंछ थी उसको अपने दांतों से काट लिया। बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी को जोर से सींग मार दी, और इधर से जो बकरी थी वह भागती हुई आई, दौड़ती हुई आई, और उसने क्या किया, अपने सींगों से लोमड़ी को मारा और इस वजह से वह गुलाटी खा गई, नीचे गिर गई। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से भुक्की मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल गई, और अब क्या था, जो घोड़ा था वह भी दौड़ते हुए आया और लोमड़ी को इतनी जोर से गुलटती होता है पैर की मार, यानी उसने अपने पैरों से अपने टांगों की जोरदार एक लात मारी और इससे लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल गई। जमीन पर वापस खेलने के बाद वह वहां से जो खाली थी अभी तक नहीं दिखी, और जब वह जैसे ही उस घोड़े ने लात से मारी, उसे पैर की मारी और वह नीचे जाकर गिरा की मारी पर गिर गई, और उसके बाद वह ऐसी भागी कि आज तक वह किसी को भी वापस नजर नहीं आई। तो उस दिन के बाद से मुर्गा भी दोस्त समय पर कुकुरू को करता चला आ रहा। तो उस दिन के बाद से मुर्गे ने भी सबक ले लिया कि मैं किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखूंगा, और वह भी अपना काम समय पर करने लगा, यानी उसका जो काम था समय पर सुबह रोज सवेरे बांध देना, और वह हमेशा अपने सही समय पर बांध देने लगा था। तो इस प्रकार से जब मुर्गे पर मुसीबत आई तो उसके उन्हीं दोस्तों ने उन्हीं मित्रों ने उसकी सहायता की जिससे वह बदला लेना चाहता था। तो इसलिए जिस प्रकार से मुर्गे के मन में उनके सिर्फ हंसी मजाक के कारण उसने उन्हें बुरा समझ लिया, उन्हें सोच लिया कि ये मेरे दोस्त नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं, और उसने बदला लेने के लिए बांग भी नहीं लगाई थी और सारे जानवर खोके गए थे। उन्हीं सभी जानवरों ने उन्हीं सभी मित्रों ने उसकी विपत्ति के समय संकट के समय जान बचाई थी। तो आज हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, और अपने मित्रों के प्रति दोस्तों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुसीबत के समय संकट के समय हमारे दोस्त ही हमारे काम आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस पाठ मुर्गे की बांध से बहुत बड़ी शिक्षा सीख ली है, बहुत अच्छी बात हमें जानी है। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात पर अमल करना है, गौर करना है, और इसे अपनाना है। किसी के भी प्रति हमें जिज्ञासा की
द्वेष की बदले की भावना नहीं रखनी। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ को पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया होगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम अपनी कक्षा का समापन यही करते हैं और आपका गृहता यह रहेगा कि इस पाठ के अंदर जो ये शब्दार्थ ले रखे हैं, इन शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कक्षा में। आप सभी का दिन शुभ है। धन्यवाद।